40 से 60 लाख अफराद के दरमियान हम ये डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं। जब भी 5 किलोवाट तक कमर्शियल कनेक्शन वाले और 70 किलोवाट सनत के कनेक्शन वाले अफराद जब अपना कारोबार शुरू करेंगे तो उनको अपना 3 महीने के लिए बिजली का बिल अंदाजन नहीं देना पड़ेगा। जो सबसे छोटे तबके के हमारे दुकानदार और ताजिर और सनतें हैं वो मुस्तफ़ा वफाकी हुकूमत का बेरोजगार अफराद और छोटे कारोबार के लिए 2 बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान। मुलाजमतें खोने वाले 40 से 70 लाख अफराद में 75 अरब रुपए तकसीम किए जाएंगे। छोटे कारोबार के 3 माह के बिजली के बिल हुकूमत अदा करेगी। पैकेज का मकसद छोटे कारोबार और सनती तबके को रिलीफ देना है। बिल मई, जून और जुलाई के बिलों में लगाए जाएंगे। सिंध में ऑनलाइन कारोबार का आगाज। कराची के मुतअद्दिद मार्केटों में ताजरों ने इजाजत नामा हासिल करने के बाद कारोबार शुरू कर दिया। SOP के तहत किसी भी मार्केट में दुकान खोलने की इजाजत नहीं। ऑनलाइन ऑर्डर वसूल होने पर ही शटर उठाया जाएगा। दुकानदार ऑर्डर प्रेस के जरिए सामान की तरसील करेंगे। ऑनलाइन कारोबार पीर तक जुमेरात 3 बजे तक होगा। के बेहतर काम को सबोताज करने की कोशिश कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी जितना भी अच्छा काम कर ले वफाकी सिंध सिर्फ तनकीद करेगी। बिलावल भुट्टो का गैर मुल्की नशरियात अदारे को इंटरव्यू। मजीद कहा, कौमी सतह पर पॉलिसी बनाने की जिम्मेदारी वफाकी है लेकिन वहाँ क्यादत का फुकदान है। 18 इन तरमीन मुतफिक कौम दस्तावेजात छेड़छाड़ से तनाजात जन्म लेंगे। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं, कौम मुख्तलिफ बहरानों में खड़ी है। नए झगड़े खड़े करने का मकसद। सियासी मुखालफीन पहले कहते थे इंक्वायरी रिपोर्ट नहीं आएगी, अब कमीशन पर एतराज जारी है, इसमें भी नाकामी का मुंह देखना पड़ेगा। फिरदौस आशिक अवान ने कहा, इमरान खान छुपाने पर नहीं कौम को हकायक बताने पर यकीन रखते हैं। हुकूमत ने ऐसे तहकीकात कराई है जिसमें अपने लोगों पर सवाल उठा है। शहबाज साहब के ऐसी जुर्रत पहले किसी हुकूमत ने दिखाई थी। वजीर आजम इमरान खान की क्यादत में मुल्की तरीके सबसे बड़ी रिलीफ पैकेज पर अमल दरामद जारी। फैजल हसन चौहान कहते हैं, शहबाज शरीफ लैपटॉप चलाना सीख रहे तो पोर्टल पर तमाम तफसील पढ़ सकते हैं। गरीब मजदूर दिहाड़ी तबके में राशन और अमदादी रकूम तकसीम की जा रही है। नून लीग की क्यादत में अवाम की खिदमत के मौके भी सियासत की नजर कर दी। सिंध हुकूमत ने निजी स्कूलों की फीसों में 20% रियायत की मंजूरी दे दी। रियायत का इतलाक 3 माह की फीसों पर होगा। एहसास का फलत प्रोग्राम के तहत अदायगी पर रियायत की मंजूरी। PIA का 20,000 पाकिस्तानी को वतन वापस लाने का मंसूबा तैयार। PIA 9 मई तक 103 से ज्यादा खसूसी परवाजें चलाएंगे। अबू धाबी, दुबई, सऊदी अरब में फंसे पाकिस्तानियों की हुकूमत से अपील।